है, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदी से संबद्ध 5 हिस्से के 292 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रस्ताव दिया है। सरकार वन विभाग को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोक लगाने वाले समय, संसाधन और प्रयासों को समर्पित करने से मुक्त करने हेतु यह कदम उठाया गया है। वर्ष 2006 से अभयारण्य में रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आपको बता दें, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी। इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी के साथ 2 से 6 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदी से संबद्ध 5 हिस्से के 292 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रस्ताव दिया है। सरकार वन विभाग को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोक लगाने वाले समय, संसाधन और प्रयासों को समर्पित करने से मुक्त करने हेतु यह कदम उठाया गया है। वर्ष 2006 से अभयारण्य में रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आपको बता दें, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी। इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी के साथ 2 से 6 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है।